रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, बच्चों हमने 5 चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और बच्चों हमने 6.1 से लेकर 6.8 तक बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 6.9, न्यूमेरिकल नंबर 6.9 है हमारे पास। एक पंप 200 kg पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए। बच्चों हमने क्या मालूम करनी है? पंप की पावर मालूम करनी है। तो एक पंप 200 kg पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डाटे के दो नंबर होते हैं फ्री के। तो बच्चों हमें क्या दे दिया? मास दे दिया। तो बच्चों हमारे पास मास को हम जाहिर करते हैं एम के साथ, और हमें ये किसके बराबर दे दिया? 200 kg। और हमें क्या दे दिया? वक्त, वक्त दे दिया हमें। वक्त को हम जाहिर करते हैं टी के साथ, वो हमें दे दिया 10 सेकंड। और हमें क्या दे दी? बुलंदी। और हमें क्या दे दी? बुलंदी। बुलंदी को हम एस से भी जाहिर कर सकते हैं और एच से भी जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या दे दी? बुलंदी दे दी। बुलंदी को हम एच से भी जाहिर कर सकते हैं, एस से भी जाहिर कर सकते हैं। और बुलंदी हमें किसके बराबर दे दी? 6 मीटर के बराबर। तो हमने पंप की क्या मालूम करनी है? पावर। पंप की पावर हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। इसको हम जाहिर करते हैं पी के साथ। पंप की पावर हमने मालूम करनी है, हमने इसको पी से जाहिर कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है पावर का जौन सा फार्मूला होता है? पावर का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क बटा टाइम। वर्क बटा टाइम होता है। और पावर को हम जाहिर करते हैं पी के साथ, वर्क को हम जाहिर करते हैं डब्ल्यू के साथ, और टाइम को हम जाहिर करते हैं टी के साथ। तो बच्चों आप लोगों को पता, क्योंकि हमें मास दे दिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सी ना, एफ फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? वेट के बराबर है। और वेट हमारे पास किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। वेट हमारे पास किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर ये फोर्स को भी लिख सकता हूँ एम जी के बराबर, क्योंकि फोर्स हमारे पास वेट के बराबर है और वेट हमारे पास एम जी के बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ फोर्स बराबर है एम जी के। तो बच्चों फोर्स बराबर किसके? एम जी के बराबर। तो बच्चों ये मेरे पास पी इसी तरह आ गया मसावी। और वर्क का फार्मूले का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों वर्क का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है एफ जरबे एस। वर्क का फार्मूला होता है एफ जरबे एस। तो बच्चों इस वर्क की जगह पर क्या दर्ज कर देंगे? एफ जरबे एस ओवर टी। और ये वाला पी मेरे पास इसी तरह आ गया मसावी। फोर्स मेरे पास किसके बराबर है? क्योंकि मुझे मास दे दिया तो फोर्स मेरे पास एम जी के बराबर भी है। फोर्स को मैं एम जी भी लिख सकता हूं, एम जी आ गया। और ये वाला एस साथ इसी तरह ओवर टी आ गया। बच्चों ये फोर्स हमारे पास वेट फोर्स के बराबर है और वेट हमारे पास एम जी के बराबर है। तो मैं ये भी इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, फोर्स बराबर एम जी। तो मैंने इस फोर्स की वैल्यू एफ की जगह मैंने क्या दर्ज कर दिया? एम जी। और ये वाला एस इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एम हमारे पास किसके बराबर है? 200 के बराबर है। यूनिट को इस्तेमाल नहीं करना। और हमें यह भी पता है जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जी की कीमत दर्ज कर देंगे। जी की कीमत मेरे पास 10 के बराबर है। फासला मुझे किसके बराबर दे दिया? 6 के बराबर। जरबे 6 ओवर टाइम। टाइम कितना हमारे पास? 10 सेकंड है। यूनिट को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है पावर का यूनिट कौन सा होता है? वाट। आखिर पे वाट लिख देंगे। तो बच्चों ये वाला 0 10 10 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास पी इसी तरह आ गया। और मैं 200 को 6 के साथ ज़रब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1200। और पावर का यूनिट कौन सा होता है? वाट।
तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है? फाइनल आंसर। तो बच्चों अब मैं इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बन जाए। तो बच्चों एक पंप हमें दे दिया, उस पंप का जो सा मास है ना हमारे पास 200 kg है, पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम करें, मास हमें दे दिया, वक्त दे दिया, बुलंदी को एच से भी जाहिर कर सकते हैं, एस से भी जाहिर कर सकते हैं, फासला। तो बच्चों ये हमें 6 मीटर दे दिया। पंप की पावर मालूम करें, और पावर का फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम। वर्क का फार्मूला होता है एफ जरबे एस, वर्क का फार्मूला होता है एफ जरबे एस, और ये वाला टी इसी तरह आ गया। तो बच्चों और ये वाली जो सी फोरस है, फोरस हमारे पास बराबर होती है वेट फोरस के, और वेट बराबर होता है एम जी के बराबर। तो मैंने इस फोरस की वैल्यू क्या दर्ज कर दी? एम जी। और ये वाला एस इसी तरह, और ये वाला टी इसी तरह। मास की वैल्यू दर्ज कर दी, जी की कीमत दर्ज कर दी, एस की कीमत दर्ज कर दी, और टी की कीमत दर्ज कर दी। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1200 वाट। इस पंप को पानी ऊपर ले जाने के लिए ना कितनी पावर खर्च होती है हमारे पास? 1200 वाट। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.9। बच्चों मैंने आप लोगों को उर्दू मीडियम मैथ भी कंप्लीट करवा दी है 9th क्लास की, उसके अंदर मैंने तमाम चैप्टरों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी हैं, और उनकी तमाम हादा मशकें भी कंप्लीट करवा दी हैं, और फिजिक्स के मैंने न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह 2-3 चैप्टर जो उनसे रह गए उनके भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।